हाय फ्रेंड्स, ईबक इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको फ्लेयर टूल से फ्लेयरिंग बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से फ्लेयर बनाते हैं। मेरे पास 3/8 का एक पाइप है, ठीक है, और मेरे पास एक फ्लेयर टूल है। किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाई दूँ। जैसे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हम किस पाइप का बना रहे हैं। जैसे मेरे पास 3/8 का पाइप है, तो मैं 3/8 के पाइप में इसका सेलेक्ट करूंगा, ठीक। उसके बाद मैं इसको सेट करूंगा। मेरे पास देखिए, मेजर करने के लिए कितना पाइप मुझे बाहर निकालना है, कितना बड़ा मुझे फ्लेयर बनाना है, उसके लिए मेजर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसको मेजर करूंगा यहाँ पर और इसको वापस हटा दूंगा। उसके बाद मैं इसको डाई में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। डाई में सेलेक्ट करना बहुत आसान है, इसको इस तरीके से, और ये वापस जाएगा। जितनी बार जाएगा वहाँ पर इसके अंदर लॉक फंसूंगा, उसी लॉक में जाकर सेट होगा। जब ये लॉक में सेट हो जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ से टाइट करना है, बहुत स्मूथली आराम से ये टाइट हो जाता है। टाइट करने के बाद, और जो अदर तरीके के फ्लेजर आते हैं, जो फ्लेयरिंग टूल आते हैं, उनमें हमें ताकत बहुत ज़्यादा लगानी होती है। उस ताकत से क्या होता है कि कभी बार फ्लेजर फट जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, बट इस वाले टूल्स में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सीधा जहाँ पर आप ताकत लगानी है आपको लगाइए, और वहाँ पर जैसे ही फ्लेजर बनेगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, अब ये देखना आप फ्री हो गया, ये पूरा, अब इसमें फोर्स नहीं लगेगी। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है पूरा, जिस तरीके से मैंने इसको टाइट किया था उसी तरीके से रिवर्स करना है। रिवर्स नहीं करेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा ये, इसलिए इसको रिवर्स करना पड़ता है। पूरा रिवर्स करने के बाद फिर इसको यहाँ से लूज करना, लूज करने के बाद अपने डाई को बाहर इसको ओपन करेंगे, तभी ये बाहर आएगा। अब आप देख पाएंगे फ्लेजर जो मेरा बना है वो कितना खूबसूरत और साफ सुथरा बना है, ठीक है। इसलिए हमेशा मुझे टूल्स का सिलेक्शन करना होता है कि टूल्स मेरे किस टाइप से हैं। जितने अच्छे टूल्स होंगे मेरे, उतनी अच्छी मेरी डाई बनेगी। और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए ईबक इंडिया के साथ बने रहिए। मैं आगे आपको और इस तरीके की वीडियो दिखाता रहूँगा। थैंक यू।